मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रेरित चरित्र की अध्याय 2 में पढ़ते हैं। पेंतेकोस्त के दिन जब शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए और पवित्र आत्मा के आनंद से भर कर ईश्वर की स्तुति करने लगे, ऊंची आवाज में स्तुति गान करने लगे, तो यरूशलेम मंदिर में पेंतेकोस्त त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए यहूदियों ने सोचा, कई लोगों ने सोचा ये लोग मदिरा पी रखे हैं, दारू पिए हैं। लेकिन सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। लोगों ने कहा इन लोगों ने मदिरा पिया है सुबह सुबह। तो पेत्रुस अन्य 11 शिष्यों के साथ उठ खड़े हो गए और पेत्रुस ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाइयों, अब सुबह का 9:30 बजे हैं, अभी कहाँ शराब पियेंगे, मदिरा पियेंगे। हम लोग मदिरा नहीं पिए हैं, बल्कि जैसा कि नबी योएल के ग्रंथ की अध्याय 2 में लिखा हुआ है, अध्याय 3 में लिखा हुआ है, वो भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरी हुई है। के बाद पेत्रुस सुसमाचार का की घोषणा करता है, लोगों के सामने कहता है कि यीशु मसीह को आप लोगों ने अधर्मियों के हाथों में दिया और उन्होंने उनको मार डाला, लेकिन पिता ईश्वर ने उनको जिंदा किया है, हम उसके साक्षी हैं। ये सुनकर लोग और ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। लोग आपस में पूछने लगे, ये गलीलिया के मछुआरे नहीं हैं, ये मंदिर में खड़े होकर इतने धैर्य के साथ, इतनी आज़ादी के साथ कैसे बोल रहे हैं। तो पेत्रुस और अन्य शिष्यों के धैर्य, आज़ादी, आनंद, शांति को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। वचन में लिखा हुआ है प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 37 में, लोगों ने शिष्यों से पूछा कि भाइयों आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। और 38 में हम क्या पढ़ते हैं, पेत्रुस ने क्या कहा, पेत्रुस ने कहा आप सभी लोग पश्चाताप करें और अपने पाप क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा स्वीकार करें और आपको भी पवित्र आत्मा मिल जाएगा। आप भी हमारी तरह आजाद हो जाएंगे, आपको भी आनंद मिलेगा, आपके अंदर भी सामर्थ्य आ जाएगा। उसके लिए पेत्रुस ने कहा पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो। पेत्रुस ने कहा पश्चाताप करो। हम इस पवित्र आत्मा के अभिषेक की साधना में भाग ले रहे हैं। पेत्रुस कहते हैं पश्चाताप करो, क्यों, क्योंकि पाप और अभिषेक एक साथ नहीं जाते, पाप और अभिषेक एक साथ नहीं जा सकते हैं। किसी ने मुझसे कल पूछा कि स्वामी जी आप बोल रहे थे कि कई लोग ऐसे हैं जो आध्यात्मिक रूप से करिश्माई दानों में बड़े होने के बाद उनके अंदर फल नहीं होता है तो उनका क्या होगा। मैंने कहा स्पष्ट शब्दों में रोमी अध्याय 11 वाक्य 29 में लिखा हुआ है प्रभु वरदान वापस नहीं लेता है, प्रभु वरदान वापस नहीं लेता है, लेकिन धीरे धीरे वरदान खत्म हो जाता है। अगर फल ज़्यादा होगा तो वरदान ज़्यादा दिन काम करेगा, अगर फल कम होगा तो धीरे धीरे वरदान समाप्त हो जाएगा। और आप जानते हैं क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ना जरूरी है, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 21 से पढ़ेंगे, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग में राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हाँ, वाक्य 22-23 पढ़िए। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की, आपका नाम लेकर आप दूतों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए। तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हट जाओ। देखिए ये होगा, तो पाप और अभिषेक एक साथ नहीं जाता है, पाप और अभिषेक एक साथ नहीं जाता है। ईश्वर ने आदम और हेवा को अपना प्रतिरूप बनाया, अपने सदृश बनाया, लेकिन आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया।
वे पेड़ों के पीछे छिपने लगे। वे अर्ध नग्न अवस्था में अदन बगान से बाहर किए गए। पाप और अभिषेक एक साथ नहीं जाता है। मैंने कहा राजा साउल के बारे में, राजा साउल पर पवित्र आत्मा उतर आया अभिषेक के समय। राजा साउल एक नया व्यक्ति बन गया। लेकिन आप पढ़ेंगे सैमुअल के पहले ग्रंथ के अध्याय 15 में, राजा साउल जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया था उसको एक नया व्यक्ति बनाया गया था। राजा साउल ने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और इसलिए प्रभु ने उसको परित्याग किया। वाक्य अध्याय 16 वाक्य 14 में पढ़ेंगे, पहला सैमुअल अध्याय 16 वाक्य 14 में पवित्र आत्मा ने उसे त्याग दिया और अशुद्ध आत्मा उसको परेशान करने लगी। उसी तरह सैमसन के बारे में आप पढ़ेंगे, सैमसन के बारे में न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय, मैंने कहा 13, 14, 15, 16 तक, सैमसन के अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति थी, सामर्थ्य था, शारीरिक शक्ति के द्वारा प्रकट हुआ था। सैमसन के बारे में लिखा हुआ है कि न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 19 और 20 में लिखा हुआ है, सैमसन क्या की दोस्ती एक नारी से होती है, दलीला से होती है, और उस दोस्ती में उस प्यार में वो लीन हो जाता है, हालांकि वो शादीशुदा था, वो लीन हो जाता है और उसकी शक्ति चली गई, पवित्र आत्मा ने उसको छोड़ दिया। तो जब मनुष्य पाप करने लगता है उसका अभिषेक घट जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी तरह आप पढ़ेंगे सुलेमान के बारे में, सुलेमान के बारे में मैंने आपसे कहा था कि सुलेमान ने ईश्वर से प्रज्ञा की भीख मांगी और ईश्वर ने भरपूर मात्रा में प्रज्ञा दी। सुलेमान की प्रज्ञा पूर्ण बातों को सुनने के लिए, उसके कार्यों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन वही सुलेमान आप पढ़ेंगे राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 11 में, वही सुलेमान अपनी पत्नियों उपपत्नियों के बावजूद उसने गैर यहूदियों की नारियों को अपनी उपपत्नी और पत्नी बनाया, इसलिए ईश्वर ने उसका परित्याग किया। पाप और अभिषेक एक साथ नहीं जाता है। पाप कितना भयानक है। स्तोत्र 38 वाक्य 19 में लिखा हुआ है, स्तोत्र 38 वाक्य 19 में राजा दाऊद लिखते हैं, अपने पापों के कारण मैं अशांत हूं, अपने पापों के कारण मैं अशांत हूं। पाप किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, हमारी नजरों के द्वारा पाप करेंगे, जुबान के द्वारा पाप करेंगे, हाथों के द्वारा पाप करेंगे, कानों के द्वारा पाप करेंगे, पवित्रता के विरुद्ध पाप करेंगे, प्रेम के विरुद्ध पाप करेंगे, विश्वास के विरुद्ध पाप करेंगे। कोई भी पाप क्यों ना हो वो कितना भयानक है। राजा दाऊद कहता है मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। क्या मतलब इसका, उसके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है। आप पढ़ेंगे, कोई पढ़िएगा स्तोत्र 38 वाक्य 4 से 8 तक, स्तोत्र 38 वाक्य 4 से 8 तक, वहां पर एक इंसान का विवरण है जो पाप में जीवन जीता है। स्तोत्र 38 4 से 8 तक, क्रोध के कारण मेरा सारा शरीर शत विशक्त है, मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां शीस रही हैं, मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है, भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूँ, मेरी मूर्खता के कारण मेरे घावों में पीप पड़ गई और उनमें से दुर्गंध आती है, मैं झुक गया हूँ, अत्यंत दुर्बल हूँ और दिन भर उदास चलता फिरता हूँ, मेरी कमर में जलन है, मेरा सारा शरीर अस्वस्थ है। देखिए पाप कितना भयानक है। कई लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। जब तक मैं पवित्र वचन को पढ़ने नहीं लगा, जब तक पवित्र वचन पर मनन चिंतन करने नहीं लगा, तब तक मुझे इस बात का एहसास नहीं होता था कि पाप क्या होता है, पाप का मेरे ऊपर क्या असर होता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, जो पाप करता है अपने आपको हानि पहुंचाता, अपने आपको हानि पहुंचाता है। पहले हम सोचते थे कि हम पाप के द्वारा दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, ईश्वर को हानि पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, लेकिन सच्चाई वचन के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा प्रभु ईश्वर हमें समझाता है कि पाप के द्वारा तुम अपने आप की हानि करते हो।
कोई भी पाप हो, कोई भी अपराध हो, उसके द्वारा हम अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, हर अपराध दुधारी तलवार के सदृश है, हर अपराध दुधारी तलवार के समान है, उसके घावों का कोई इलाज नहीं है। पाप कितना भयानक है। तो पाप हमारे अंदर जो अभिषेक है उसको छीन लेता है। रोमियों के पत्र की अध्याय 3 वाक्य 23 में पौलुस इसीलिए कहते हैं, रोमी अध्याय 3 वाक्य 23 में पौलुस क्या कहते हैं, पौलुस क्या कहते हैं, सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। क्योंकि सब ने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। ईश्वर ने हमारे अंदर जो महिमा रखी, जो रौनक रखी, जो खुशी रखी, जो शांति रखी, ईश्वर ने हमारे अंदर जो सामर्थ्य रखा, जो अधिकार रखा, पाप के द्वारा हमने उसको गंवा दिया है। सब ने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित रह गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हमारे लिए शुद्धिकरण का दिन है। आज हम अपने आप को जांच करने जा रहे हैं, अपने आप को प्रभु के सम्मुख रखने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि हम शुद्धिकरण के लिए, अपने आप को देखने के लिए 7 मूल पापों पर मनन चिंतन करेंगे। किस पर मनन करेंगे? 7 मूल पापों पर। ये 7 मूल पाप कौन कौन से हैं? मैंने पहले भी आपको क्लास दिया था इसके बारे में। 7 मूल पाप कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्रोध, दूसरा है अहंकार, तीसरा है लालच, चौथा है ईर्ष्या, पांचवा है आलस्य, छठवा है पेटूपन, सातवा है वासना। ये 7 पाप, इसको हम मूल पाप कहते हैं। कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा ही है, इसको हम मूल पाप कहते हैं, क्योंकि इन पापों के द्वारा अन्य अपराधों का जन्म होता है। ये मूल पाप है। हम अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है क्रोध। सबसे पहला पाप, मूल पाप है क्रोध। हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 27 वाक्य 33 में। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 वाक्य 33 में लिखा हुआ है, क्रोध और विद्वेष दोनों घृणित हैं, लेकिन पापी दोनों किया करता है। क्रोध और विद्वेष दोनों घृणित हैं और पापी दोनों किया करता है। तो पाप कितना भयानक है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 12 उसके वाक्य 16 को जरा पढ़िए। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 16, मूर्ख अपना क्रोध तुरंत प्रकट करता। मूर्ख अपना क्रोध तुरंत प्रकट करता। जो मूर्ख होता है वो अपने क्रोध को प्रकट करता है। आगे, किंतु समझदार व्यक्ति अपमान पी जाता है। हाँ, समझदार व्यक्ति क्या करता है? अपमान पी जाता है। जब हमारा अपमान होता है तो जो समझदार होता है उसको पी जाता है, लेकिन जो मूर्ख होता है, मूर्ख का अर्थ यहाँ पे पापी होता है, जो मूर्ख होता है, पापी होता है, उसको तुरंत प्रकट करता है, लेकिन जो समझदार होता है अपमान को पी जाता है। बहुत जबरदस्त वचन है, अपमान को पी जाता है। याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 20, याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 20 में याकूब कहते हैं, हमारा मनुष्य का क्रोध ईश्वर की धार्मिकता में सहायक सिद्ध नहीं होता है। मनुष्य का क्रोध ईश्वर की धार्मिकता में सहायक सिद्ध नहीं होता है। क्या मतलब इसका? हम में से हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर की एक योजना है, एक धार्मिकता है। हमारा ही क्रोध उस धार्मिकता के लिए, उस योजना के लिए बाधा बन जाता है। कई लोग अपने को वश में रख नहीं पाते हैं। कुछ हो गया, गुस्सा किया, चली गई, उसके बाद रोने लगते हैं। कई पत्नियां, कई जवान दंपति, पत्नियां गुस्से में घर चले गए, हम मैं क्या जा रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं, चले गए, उसके बाद आओ ना, ले जाओ ना, रहो तो अकेली गई ना। गुस्से में इंसान क्या क्या नहीं करता है। हमने काम करेंगे, हम जा रहे हैं, जाओ। मेरे सामने कोई भी इस तरह आता है, मैं पूछूंगा कब जाओगे। कोई ब्लैकमेलिंग मेरे साथ नहीं होता है, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होता है। कोई बोलेगा मैं जा रहा हूं, कब जाओगे, टिकट चाहिए।
तो गुस्से में इंसान क्या क्या नहीं करता है। ईश्वर की हमारे लिए एक योजना है, लेकिन हमारा ही गुस्सा उसके लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। तो याकूब कहते हैं कि मनुष्य का क्रोध ईश्वर की धार्मिकता में सहायक सिद्ध नहीं होता है। क्रोध कितना भयानक है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 21 और 22 में प्रभु यीशु कहते, तुमने सुना है हत्या मत करो, जो हत्या करता वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम अपने भाई से क्रोध करोगे तो तुम कचहरी में दंड के योग्य होगे। वचन में लिखा हुआ है 10 नियमों में एक है, 5वां नियम है हत्या मत करो। प्रभु यीशु इसकी एक नई व्याख्या देते हैं। प्रभु कहते हैं कि हत्या का मतलब सिर्फ किसी को मार डालना ही है। अगर किसी के साथ क्रोध कोई करता है, क्रोध बनाए रखता है, ये भी हत्या है। देखिए, तो क्रोध को प्रभु बहुत खतरनाक कहते हैं। जानते हैं क्रोध में आकर हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। किसी को बदनाम कर सकते हैं, किसी को गाली दे सकते हैं, किसी के परिवार को तोड़ सकते हैं, क्रोध में आकर किसी को मार डाल सकते हैं। क्रोध कितना भयानक है। हमारे बनारस में मैंने बताऊंगा कहां पे दो ईसाई भाई लोग बाहर से झारखंड से आए हुए हैं, काम कर रहे थे, खेत में थे, आपस में झगड़ा हो गया, एक ने अपने फावड़ा उठाया, दूसरे को काट दिया और वो जेल चला गया। क्रोध में इंसान क्या क्या नहीं करता है। इसीलिए क्रोध मूल पाप है, क्रोध को वश में रखना जरूरी है। और क्रोध के कारण प्रभु का अभिषेक पल भर में चला जाता है। हो सकता है कि आप 4 महीना प्रार्थना में थे, 10 महीना प्रार्थना में थे, बहुत कमाए हैं, लेकिन पल भर में उस क्रोध के कारण, क्रोध में आप क्या क्या नहीं बोलते हैं, आपके मुंह से क्या निकला, आपने क्या क्या किया, उन सारी बातों के कारण आपके अंदर जो अभिषेक इकट्ठा हुआ था वो चला जाता है। तो सबसे पहला मूल पाप है क्रोध। हम सबको बहुत संभालने की आवश्यकता है, क्रोध के कारण बहुत सारे पाप हो सकते हैं। दूसरा मूल पाप है घमंड, अहंकार। दूसरा मूल पाप है अहंकार। अहंकार किस चीज पे अहंकार? सबसे पहले अपने धन संपत्ति पर अहंकार, अपने सौंदर्य पर अहंकार, अपनी बुद्धि शक्ति पर अहंकार, अपनी डिग्री पर अहंकार, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि पर अहंकार, मेरा परिवार, अपने रंग पर अहंकार, अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर अहंकार। हम में से कई लोगों के अंदर इस प्रकार कई अहंकार है। मैं आपसे पूछता हूं किस बात पर आप अहंकार कर सकते हैं, घमंड कर सकते हैं। संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 4:7 में ना, संत पौलुस कहते हैं आपके पास क्या है जो आपको नहीं दिया गया है। आपके पास जो कुछ है वो प्रभु के द्वारा दिया गया है। आपकी नजरें, आपके कान, आपके बोलने की शक्ति, आपके हाथ पांव, ये सब प्रभु की दी हुई चीजें हैं। आपका घर, आपकी संपत्ति, आपकी नौकरी, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे सब प्रभु के दिए हुए हैं। तो किस बात पर हम लोग अहंकार करेंगे। कई लोग यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम देखते हैं, सब कुछ अच्छा देखते हैं, मुझसे कहते हैं अंग्रेजी में कंग्रेचुलेशंस, यानी आपको बधाई हो। मैंने कहा वो शब्द इस गेट से बाहर ले जाइए, यहाँ पर सिर्फ प्रभु की स्तुति वो बोली जाती है। या किसी को बधाई नहीं दी जा सकती है, किसको बधाई देंगे आप? मुझे बधाई देंगे? मैं कौन हूँ? मैं श्वास मात्र हूँ। वचन में लिखा हुआ मनुष्य क्या है? श्वास मात्र है, उसका महत्व ही क्या है? मनुष्य तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, इसका क्या महत्व है? तो किस बात पर हम लोग घमंड करते हैं। कुछ लोग अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं, मैं ज्यादा जानता हूं, मैं ज्यादा पवित्र हूं, मेरे अंदर ज्यादा क्षमताएं हैं, मेरे अंदर ज्यादा खूबियां हैं, मेरे अंदर ज्यादा पवित्रात्मा के वरदान है, मैं ज्यादा प्रार्थना करने वाला हूं, मैं ज्यादा पवित्र हूं, दूसरों से बेहतर हूं, समझदार हूं,
घमंड करते हैं और दूसरों को अपने से तुच्छ समझते हैं, छोटे समझते हैं। तू चुप रहा, तू क्या जानती है। दूसरों से चुप करते हैं, जानते हैं बिलाम की गधी के बारे में, मैंने पिछली बार वचन में सुनाया था, है ना जी। बिलाम की गधी, प्रभु ने बिलाम की गधी को खोल दिया, उसका मुंह खोल दिया, वो बोलने लगी। बिलाम एक नबी थे, नबी स्वर्गदूत को देख नहीं पाए लेकिन गधी ने देख लिया। इसीलिए प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। तो अपने को दूसरों से बेहतर समझना घमंड का और भी एक प्रकार है। ये घमंड करना कि मैंने किया है, मैंने वो बनाया है, मेरे कारण ये बना है, मैंने किया है, मैं बकरी बकरा, ये घमंड का एक दूसरा प्रकार है। घमंड का और एक प्रकार है, वो प्रकार है कि जो महिमा हमें ईश्वर को देनी है वो महिमा न देकर अपने ऊपर ले लें। आप जानते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 12 में आप पढ़ेंगे राजा हेरोद के बारे में। राजा हेरोद ने जब याकूब को मार डाला, मरवा डाला, तो सारे यहूदी लोग खुश हो गए राजा हेरोद से। राजा हेरोद ने सोचा अभी पेतरुस को भी मरवा डालूंगा तो सारे यहूदी लोग खुश हो जाएंगे। और राजा हेरोद अपने आसन पर बैठा हुआ था और बोल रहा था, तो यहूदी लोगों ने कहा कि ये इंसान नहीं बोल रहा, ये फरिश्ता बोल रहा, स्वर्गदूत बोल रहा है। और राजा हेरोद बहुत खुश हो गया। उस अध्याय के अंत में आप पढ़ेंगे कि राजा हेरोद को मार डाला गया, ईश्वर ने उसी रात को उसको मार डाला और उसको उसके शरीर पर कीड़े लग गए, क्योंकि उसने ईश्वर के बदले महिमा अपने ऊपर ले ली। जो ईश्वर को मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए। अगर आप अच्छी तरह गाते हैं स्वीकार कीजिए, धन्यवाद प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद प्रभु ने किया है। आपके द्वारा चमत्कार होता है तो बोल देना प्रभु ने किया है, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया 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 हालेलुया। तो अहंकार बहुत खतरनाक है, मूल पाप। अहंकार में आकर हम लोग क्या क्या नहीं करेंगे, दूसरों को तुच्छ समझेंगे, दूसरों को दबाएंगे, दूसरों पर शोषण करेंगे, दूसरों पर गलत गलत कहानियां बोलेंगे, दूसरों को गिराने की कोशिश करेंगे, दूसरों को मार डालेंगे। तो अहंकार बहुत खतरनाक होता है, अहंकार बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए इससे बचना जरूरी है, अपने आप को जांच करना है। ये आत्माभिषेक साधना है, इसीलिए मैंने सोचा इन बातों पर मनन करेंगे, क्योंकि ये सब छिपे हुए पाप हैं जिसको हम लोग समझते नहीं हैं और हमारे अभिषेक को तोड़ देता है, हमारे अंदर जो खुशी तोड़ देता है। ये छिपे हुए पाप है, मूल पाप। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। तीसरा है लालच। लालच एक मूल पाप है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 12 वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, सावधान हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, सावधान हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि मनुष्य के पास कितना ही धन क्यों ना हो वह उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु कहते हैं सावधान हर प्रकार के लोभ से बचे रहना। धन का लोभ बहुत ज्यादा आज के लोगों में, धन का लोभ, नाम का लोभ, प्रशंसा का लोभ, पद का लोभ, अधिकार का लोभ, हर तरह के लोभ से बचे रहो। क्यों प्रभु ने कहा बचे रहो? क्योंकि लोभ लालच बहुत खतरनाक होती है, लालच बहुत खतरनाक होता है। लालच में पढ़कर हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। आदम और हेवा को ईश्वर ने अदन बगान के मालिक बनाए और कहा कि सारे पेड़ों का फल तुम खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ का फल नहीं खाना। शैतान ने आकर, धूर्त सांप ने आकर उस नारी के मन में लालच भर दिया, लेकिन तुम इस पेड़ के फल को खाओगी तो तुम ईश्वर के बराबर हो जाओगी। उसके अंदर लालच भर दिया, उसके बाद वहां पे आपको सांप दिखाई नहीं देता है। सांप का काम था उस नारी के मन में लालच भरना। उसी तरह हमारे अंदर भी लालच आ सकता है,
विशेष करके जो करिश्माई लोग होते हैं, धीरे धीरे लालच आ जाता है, पैसे का लालच, अन्य अन्य प्रकार के लालच। में उदाहरण नहीं देता हूँ, कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। लालच आ सकते हैं, लालच बहुत खतरनाक है। इसीलिए प्रभु ने कहा सावधान। आपको याद है यूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु को पकड़वाया, क्यों? क्योंकि उसके अंदर धन के प्रति लालच था। चांदी के 30 सिक्कों के लिए, जो उस जमाने में एक साधारण मजदूर की महीने भर की मजदूरी थी, यानी आज का हिसाब ले लेंगे, मान लीजिए 15,000 रुपए के लिए अपने गुरु को पकड़वाना, क्योंकि उसके अंदर धन के प्रति लालच था। लालच से बचे रहना, जो प्रभु ने दिया उसे संतुष्ट है ना, बस। बहुत खतरनाक है, विशेष करके हम लोगों के लिए। आप पढ़ेंगे तिमथी का पहला पत्र अध्याय 6:9-10, उसको जरा पढ़िए। तिमथी का पहला पत्र अध्याय 6:9-10 में बताया जाता है कि धन के प्रति लालच मनुष्य को कहां तक पहुंचा सकता है। और जो आजकल हो ही रहा है, कई लोग फंस जाते हैं। पहला तिमथी अध्याय 6:9-10, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं। प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं, और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकारक वासनाओं के शिकार बनते हैं। और ऐसे मूर्खतापूर्ण और हानिकारक वासनाओं के शिकार बन जाते हैं, जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल, जो मनुष्य को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देता है। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। क्योंकि धन का लालच, धन नहीं, धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए। धन के कारण कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए, और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली, और उन्होंने बहुत सारी पीड़ाएं यंत्रणाएं झेली हैं। आज के जमाने में ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। आज मुझे लगता है कि इंसान सोचता है कि पैसा ही सारी समस्याओं का समाधान है, पैसा ही चाहिए, मनी 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 मनी, धन पशु जिसको कहते हैं हम लोग, धन पशु, पैसा बटोरना पैसा बटोरना पैसा बटोरना। मैं यहां पर उदाहरण देना नहीं चाहता हूं, पति पत्नियों के लिए जब उदाहरण देता हूं, मैं बहुत सारे उदाहरण देता हूं, कैसे लोग यहां तक कि अपने परिवार का ख्याल नहीं करते, बच्चे का ख्याल नहीं करते, वे पैसा बटोरना चाहते हैं, परिवार को नहीं संभालते। ऐसे लोग इस तरह की पीड़ाएं झेलते हैं, इसीलिए प्रभु कहते हैं सावधान। लालच में आकर इंसान क्या क्या नहीं कर सकता है, चोरी कर सकता है, बेईमानी कर सकता है, भ्रष्टाचार कर सकता है, दूसरों को फंसा सकता है, अन्य पाप भी कर सकते हैं, किसी को मार भी डाल सकते हैं लालच में पड़ के, क्या क्या नहीं हो सकता है। उदाहरण देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो लालच से बचे रहना है। प्रभु ने जो आपको दिया उसे संतुष्ट हो जाइए, आपके परिश्रम का फल आपको मिलता है उसे संतुष्ट हो जाइए, लालच में नहीं पड़ना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला मूल पाप है ईर्ष्या, जलन। ईर्ष्या, जलन, ये तो अनादिकाल से चलता आ रहा है। आदम और हेवा के दो बेटे थे पहले, काइन और हाबिल, और ईश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, काइन के अंदर क्या आया, ईर्ष्या आ गई। उस जमाने से ईर्ष्या चली आ रही है, पड़ोसी का मकान बन रहा है, बड़ा हो रहा है, दूसरा मंजिल तीसरा मंजिल बन रहा है, और मेरे दिल में जलन हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर साहब जलन होता है। दूसरे के बच्चे की पढ़ाई होती है, दूसरा आगे बढ़ रहा है, मेरे अंदर जलन होता है। दूसरा व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बढ़ रहा है, मेरे अंदर जलन होता है, ईर्ष्या। और ईर्ष्या के वश में आकर इंसान क्या क्या नहीं कर सकता है, बताइए। काइन ने अपने एकमात्र भाई को मार डाला, एकमात्र साथी। ईर्ष्या ने काइन को इतना अंधा बना दिया कि काइन अपने भाई को देख नहीं पाया, उसको मार डाला, धोखे से मार डाला।
और वो आज भी यही बात हो रही है। ईर्ष्या में कवश में पढ़कर इंसान क्या क्या नहीं कर सकता है। अभी अभी हमने राजा साहुल के बारे में कहा, ईश्वर ने राजा साहुल को बहुत आशीष दी थी, लेकिन हम जानते हैं फिलिस्तियों की लड़ाई में दाऊद ने, छोटा सा लड़का दाऊद ने फिलिस्तियों को हरा दिया और सब सारी सेना वापस आ रही थी, नारियां सड़क के किनारे खड़े होकर गाना गा रहे थे राजा के लिए, सेना के लिए। तो नारियां गा रही थी कि साउल ने सहस्रों को मारा, साउल ने सहस्रों को मारा, लेकिन दाऊद ने हजारों को मारा। ये सुनकर राजा साउल आग बबूला हो गया, उसको जलन हो गया। ये औरतें क्या गा रही हैं कि मैंने सहस्रों को मारा है और दाऊद ने हजारों को मारा है। उस समय से राजा साउल दाऊद को मार डालने को तय किया, जबकि राजा साउल के बेटे ने उसको समझाया कि पापा दाऊद ने आपके विरुद्ध क्या अपराध किया, उसने तो हमारे देश को बचा लिया है, आप क्यों उसके पीछे पड़े हैं। लेकिन राजा साउल अंत तक दाऊद को मार डालना चाहता था। नतीजा मालूम क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? नतीजा आत्महत्या। साउल ने आत्महत्या की दुश्मनों से बचने के लिए। उसने कहा कि दुश्मनों के द्वारा मार डाले जाने से बेहतर मैं अपने आप को खत्म करूंगा। तो ईर्ष्या बहुत खतरनाक होती है। ईर्ष्या में पढ़कर हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं, दूसरों का नाम बदनाम कर सकते हैं। हमारे देश में क्या हो रहा है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को गिराने में लगी हुई है। ईर्ष्या में पढ़कर इंसान क्या क्या नहीं कर सकता है, क्या क्या पाप नहीं कर सकता है। अगला मूल पाप क्या है? आलस्य। आलस्य, आलस्य एक मूल पाप है। मैं कई लोगों को देखा हूं जिनके अंदर ये पाप काम करता है, कुछ करना नहीं चाहता है। यहां पे छत्तीसगढ़ से एक परिवार आया था, पत्नी रो रही थी, पति साथ में था कमरे में, बच्चे हैं। पति को बहुत अच्छी सरकारी नौकरी मिली, मैं नहीं बोल सकता हूँ, बोलता हूँ कि बोलना चाहता हूँ कि क्या नौकरी है। पत्नी बोल रही है कि इसकी नौकरी चली जाएगी। मैंने पूछा क्यों, ये जाता ही नहीं है। तो मैंने पूछा भैया क्यों नहीं जाते हो, मेरा मन नहीं करता जाने का। ये कब से ऐसे शुरू है, बचपन से ही हमको कुछ करने की इच्छा नहीं है, आलस्य। मैं एक दंपति को जानता हूँ, वृद्धावस्था में है, उनका एक ही बेटा है, करीब 30-32 साल का लड़का है, अभी तक ढंग का काम नहीं पकड़ा है। बाप कम से कम 72-74 साल का है, वो काम कर रहा है, परिवार चला रहा है। दोनों पति पत्नी रो रहे हैं कि हमारा बेटा कहीं भी काम पे जाता है, एक आध दो महीना काम करेगा वापस आ जाएगा, वो आलसी है, घर पे बैठा रहेगा। नहीं जाऊंगा ना, जाऊंगा। आलस्य एक बहुत बड़ा बंधन है, आलस्य। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 1-10 कुमारियों के बारे में बताया गया है। 5 कुमारियां समझदार थी, प्रभु यीशु कहते हैं, और 5 मूर्ख थी, ना समझ थी। दुल्हे से मिलने के लिए, दुल्हे के अगवानी करने के लिए वे गए थे। उस जमाने में रात को शादियां होती थी, और जैसा कि हमारे देश में भी यहाँ पे उत्तर भारत में होता है, बाराती लोग कभी कभी लेट आ जाते हैं, देर करके आते हैं। तो बारातियों के आने में देर हो गई और सभी मशाले लेकर गई थी, क्योंकि उस जमाने में तो बत्तियां नहीं थी, तो मशाले लेकर जाना पड़ता था। मशाले लेकर गई थी, लेकिन 5 समझदार थी, अपने साथ कुप्पियों में तेल भी लिए थे, क्योंकि कौन जाने कब बाराती आएंगे। लेकिन 5 ना समझ लोग नहीं लिए थे, सोचा कि देखा जाए, वहां जाने पे लेट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, ये सोचकर चल दिए। वहां जाने पर देर हो गई बारातियों के आने में, और सब लोग ऊँगने लगे। जब सब लोग जाग गए तो ना समझ लोगों ने देखा कि हमारी मशालें बुझ रही हैं। दूसरों से कहा भाई हमको थोड़ा सा तेल दे दे। कहा भाई हमारे लिए, हम दोनों के लिए नहीं हो पाएगा, ये हमारे लिए काफ़ी, आप लोग जाके कहीं खरीदने जाइए, रात को 12 बजे कहाँ से आपको दुकान खुली पड़ी मिलेगी।
वे लोग खरीदने के लिए गए और वापस आ गए, तब तक विवाह मंडप बंद हो गया। बड़ी उम्मीद के साथ आगे निकले थे, लेकिन समझदार नहीं थे। सोचा बाद में देखा जाए। हमारे यहाँ पे, हमारे इस पूर्वांचल में लोग बोलते हैं भोजपुरी में, देखल जाई हो, देखल जाई, देखल जाई, देखा जाएगा। कई लोग इस तरह जिंदगी जीते हैं, देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? तू रोएगा, ये सब लोग देखेंगे। तो आलसी लोगों की जिंदगी होती है। और कुछ लोग इस तरह के आलसी होते हैं, कैसे आलसी? टालने वाले, हर चीज को कल ही करेंगे। आज ही करना जरूरी है, कल करेंगे, परसों करेंगे, वे करेंगे लेकिन लेट करेंगे। हर चीज के लिए समय होता है, ध्यान दीजिए प्लीज। है उपदेशक ग्रंथ में स्पष्ट शब्दों में ग्रंथकार कहता है, हर बात के लिए समय होता है। बोने के लिए समय, काटने के लिए समय, रोने के लिए समय, हंसने के लिए समय, बच्चा पैदा करने के लिए समय, हर चीज के लिए समय होता है। तो कुछ लोग इसको गलत समझते हैं, बोलते हैं स्वामी जी हमारा समय नहीं आया है। ना ना, ग्रंथकार पवित्र वचन ये नहीं बता रहा है कि ऐसे तुम पड़े रहो समय के इंतजार में। नहीं, हर बात के लिए समय होता है। ये धान बोने का समय है अभी, है ना, अभी धान रोपने का समय है। ये कौन सा महीना? अगस्त महीना। अगर हम टाल देंगे, अक्टूबर महीने में धान रोपेंगे तो क्या हो जाएगा? गेहूं नहीं ले पाएंगे। टलता जाएगा, टलता जाएगा, टलता जाएगा। तो कई लोगों में ये टालने की प्रवृत्ति है, यह आलस्य का एक दूसरा रूप है। आलस्य का एक तीसरा रूप क्या होता है? वो रूप होता है अपनी जिम्मेदारी दूसरों को दे देना। हम ठीक है, वो उसकी गलती है। मणिपुर में जो हो रहा है कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। पूछा जा रहा है भाई कौन जिम्मेदार है? पता नहीं। दाऊद ने अपराध किया, दाऊद ने उस नारी के साथ अपराध किया, उसके पति को मार डाला, लेकिन मालूम है उसका रोग कहां से, उसका पाप कहां से शुरू हुआ था? आलस्य से शुरू हुआ था। दाऊद को अपनी सेना के साथ उस समय होना चाहिए था, लेकिन दाऊद ने सोचा जरा सुस्ता ले एक बार, हर साल मैं जाता हूं, इस साल जरा सुस्ता लेता हूं। और दोपहर को अच्छी तरह खाया, आराम से सोया। दोपहर को सोना नहीं चाहिए हा? दोपहर को अच्छी तरह सोया। सोने के बाद शाम को छत पर टहलने निकला। आलसी की नजरें प्रलोभन ढूंढती हैं, आलसी की नजरें प्रलोभन ढूंढती हैं। और शैतान ने भी एक अच्छा नाटक बना रखा था। एक नारी को शाम के समय नहाने के लिए प्रेरित किया। नारियां सुबह नहाती है ना, शाम को थोड़ी नहाती है। लेकिन उस दिन शैतान ने उससे कहा सुबह नहीं नहाना, तुम शाम को नहा लेना, ताकि दाऊद को गिराया जाए। ये आलस्य का परिणाम है। कभी भी किसी को आलसी नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ काम करना, प्रार्थना करना, ये करना वो करना, ऐसे होना चाहिए। आप जानते हैं जब आप ढीले होते हैं वहां पर शैतान मारता है। इसीलिए जब कार्यक्रम चलते हैं इस समय भी मैं कमरे में सुनते रहता हूं। टाइम पे होना चाहिए हर चीज। जहां पर ढीले हो जाएंगे वहां पर शैतान मारेगा। आप करिश्माई अगुआ हो सकते हैं, प्रार्थना वाले हो सकते हैं, प्रवचन सुनाने वाले हो सकते हैं। जिस समय आप ढीले हो जाएंगे शैतान वही मारेगा। इसीलिए टाइट रखना चाहिए अपने आप को, हर समय टाइट। अपना जीवन पूरी तरह से टाइट रखना चाहिए, सुसंगठित, ढीलापन नहीं होना चाहिए। जहां पर आप ढीले हो जाएंगे शैतान वहीं पे आपको मारेंगे। उसको मालूम है कमजोर है। जब दाऊद छत पर टहल रहा था शैतान को मालूम था कि ये कमजोर है, अभी मार सकता हूं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आलस्य में पढ़कर क्या क्या नहीं कर सकते हैं। दाऊद का भी उदाहरण लीजिए, उसने क्या किया? एक नारी के साथ व्यभिचार किया, उसके पति को मरवा डाला। आलस्य में पढ़कर इंसान चोरी कर सकता है, झूठ बोल सकता है। आलस्य खतरनाक चीज है, उसे छुटकारे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आलस्य की आत्मा को अपने से भगाना चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला है पेटूपन।
पेटूपन, अंग्रेजी में इसका शब्द अच्छा है ग्लटनी, यानी खाने पर ज़्यादा जोर देना। कई लोग खाने पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, उनका पेट ही उनका भगवान है, जैसा कि पेतरुस कहते हैं, उनका पेट उनका भगवान है। अच्छा खाना मिल जाएगा, रात को 12 बजे 1 बजे भी मिल जाएगा, खा जाएगा। पेटूपन बहुत खतरनाक हो सकता है। आदम और हेवा ने एक फल के लिए पूरे बगान को गंवा दिया, एक फल के लिए पूरे अदन बगान को गंवा दिया। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 25 में पढ़ेंगे, याकूब और एसाऊ इसहाक के दो बेटे थे लेकिन जुड़वे थे। एसाऊ याकूब से कुछ पल बड़ा था, कुछ सेकंड, और यहूदी समाज में बड़े भाई को ज़्यादा अधिकार मिलता था, दुगुना संपत्ति मिलती थी, और हमेशा याकूब की दृष्टि उस पर पड़ती थी। याकूब सोचता था कि ये मुझे क्यों छोटा भाई माना जाता, हम लोग एक ही साथ थे ना। एक बार ऐसा हुआ, एसाऊ शिकार खेलने गया, थका मांदा वापस आया, बहुत भूख लग रही थी। देखिए नाटक देखिएगा, शैतान कैसे नाटक करता है। उस समय याकूब के हाथ में एक थाली थी, थाली में ताज़ा पकी दाल थी। ये नाटक करता है शैतान, जब हम कमज़ोर होते हैं उस समय लेके आएगा, जब अस्पताल में भर्ती है उस समय हम कमज़ोर हैं एक नर्स आ जाएगी, ऐसे ही करता है शैतान। तो जब थका हुआ था वापस आया, भूखा था, उस समय देखिए याकूब थाली में दाल ले आ रहा है, कहा कि याकूब मुझे दे दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। याकूब ने सोचा यही टाइम है, अभी इससे सौदेबाजी अभी मैं करूँगा। याकूब ने कहा कि ठीक है मैं दे दूँगा दाल, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, बड़े भाई का अधिकार मुझे देना होगा। उसने सोचा भाई अभी भूख लग रही है, बड़े भाई का अधिकार ले 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 ले, दे दिया और उसने खा लिया। इब्रानियों के पत्र की अध्याय 12 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्लेट भोजन के लिए एसाओ ने अपने अधिकार गंवा दिया, और बाद में आप पढ़ेंगे कि वास्तव में याकूब ने अपने पिता इसहाक को ठगा और आशीर्वाद प्राप्त किया। और इसहाक का जो ठगने की प्रवृत्ति है वो कैसे जीत गई, आप भी सोचते होंगे कैसे उसने धोखा देकर अपने पिता से आशीर्वाद लिया। प्रभु ने ऐसा क्यों होने दिया, होने दिया, क्यों? क्योंकि एसाव ने पहले ही अपना अधिकार खो दिया था, एक प्लेट भोजन के लिए खो दिया था। हम में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं, थोड़े से खाने के लिए, थोड़े से शराब के लिए, थोड़े से मजे के लिए प्रभु का दिया हुआ वरदान अभिषेक को खो सकते हैं। राजा हेरोद का उदाहरण लीजिए। राजा हेरोद यौहान बपतिस्ता को मानता था, इसीलिए एक तरह से उसकी सुरक्षा के लिए उसको जेल में रखा गया था, लेकिन राजा हेरोद पिया हुआ था, मस्त था। और राजा हेरोद के भाई की आपकी बेटी नाच रही थी, उसको इतना इतना मोहित किया कि राजा ने कहा कि तुम कुछ भी मांगो मैं दे दूंगा, आधी आधा राज्य मांगो मैं दे दूंगा। उसकी माँ ने पहले से उसको सिखा रखा था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो तुम यौहन बपतिस्ता का सिर मांगना। राजा हेरोद ने यौहन बपतिस्ता का सिर कटवा दिया उस नशे के उन्माद में। तो पेट खतरनाक हो सकता है। मैं कुछ करिश्माई लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छे हैं लेकिन इसके मामले में बहुत कमजोर हैं, जिसके कारण वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। प्रभु खाते भी थे लेकिन उपवास भी करते थे, प्रभु खाते भी थे और उपवास भी करते थे। और प्रभु ने स्वयं लोगों से कहा कि अनंत जीवन के लिए प्रयास करो, उस रोटी के लिए नहीं जो नष्ट हो जाएगी। तो पेटूपन में पढ़कर इंसान क्या क्या नहीं कर सकता है,
शराब के अड्डों में जमीनें बिक जाती हैं, इसीलिए हमें बहुत सतर्क रहना है। अगर मुझे बहुत ज्यादा टेस्ट, कुछ नारियों को और पुरुषों को बहुत टेस्ट पसंद है, टेस्ट स्वाद, और वे उसी में फंस जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जो प्रभु का काम कर सकते थे अच्छी तरह, लेकिन खाना पकाने में खो जाते हैं क्योंकि टेस्ट बहुत पसंद है। सतर्क रहना, पवित्र आत्मा का काम करना है तो इन सारी चीजों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम मूल पाप है वासना, अंतिम मूल पाप है वासना। इसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। आप जानते हैं उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 6 में प्रलय हुआ, प्रलय का मुख्य कारण यही पाप था। अध्याय 19 में पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 19 में प्रभु ने सोदोम और गोमोरा दो बड़े बड़े नगरों को नष्ट किया, क्योंकि कारण क्या था, यही कारण था, लैंगिकता का पाप, और वो भी समलैंगिकता का पाप। सोदोम और गोमोरा के लोग इतने समलैंगिक हो गए, यहां तक कि लोत के परिवार में जो स्वर्गदूत आया उसके साथ वे लोग समलैंगिक रिश्ता जोड़ना चाहते थे। तो लैंगिकता का पाप बहुत भयानक है। इस बात को संत पेत्रुस दूसरा पेत्रुस अध्याय 2 वाक्य 6 में कहते हैं, दूसरा पेत्रुस अध्याय 2 वाक्य 6 में इसी बात को दोहराते हैं, कहते हैं कि हमारे लिए लिखा गया है कि लैंगिकता के क्षेत्र में इतना ढीलापन नहीं होना चाहिए। वासना का पाप, वासना के चलते हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं, बाप रे हमारे देश में क्या हो रहा है। मैं जगहों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कितनी जगहों पर क्या हुआ है, एक नारी के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद नारी को जला दिया जाता है, क्या ये इंसान है। 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, क्या ये इंसान है। वासना इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकता है। मैं ऐसे कई ईसाई परिवारों को जानता हूं जहां पर पति पत्नी है, लेकिन पति चाहता है कि पत्नी की बहन को भी रखूंगा, उसको भी रखा है, वासना के शिकार, भयानक पाप है। यूदस का पत्र वाक्य 7 है कि अध्याय है, वाक्य 7 में इसी बात को दोहराया गया है, बताते हैं खतरनाक है भाई और बहनों, वासना का पाप बहुत खतरनाक है, जिसके कारण ईश्वर ने प्रलय भेजा, ईश्वर ने 2 नगरों को नष्ट किया। इसलिए सचेतना, वासना की पाप में पड़कर हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं, किसी की हत्या कर सकते हैं, किसी परिवार को तोड़ सकते हैं, अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं, बहुत खतरनाक होता है वासना का पाप, कितना भयानक हो सकता है। तो आज हम लोग अपने आप को देखेंगे, क्या मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध है, बहुत ज़्यादा घमंड है, छोड़ो भाई छोड़ो, क्या मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध है, मेरे अंदर घमंड है, क्या मेरे अंदर बहुत लालच है, पद का लालच, नाम का लालच, पैसे का लालच, क्या मेरे अंदर भी ईर्ष्या है, जलन है, क्या मेरे अंदर भी आलस्य है, आलसीपन है, क्या मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा खाने के प्रति लगाव है, क्या मेरे अंदर भी वासना है जो मुझे नष्ट कर सकता है। प्रभु के सामने बैठिए, प्रभु से कहिए, प्रभु इन मूल पापों से मुझे बचाइए। आंखें बंद कीजिए। प्रभु इस समय हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु हम जानते हैं कि पाप कितना भयानक है। आदम और हेवा जिनको तूने अपना प्रतिरूप बनाया था, अदन बगान की मालिक बनाया था, उनको पाप के बाद अर्धनग्न अवस्था में नंगे होकर अदन बगान से बाहर जाना पड़ा। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हम पर दया कीजिए, हमें पाप से बचे रहने की कृपा दीजिए। प्रवक्ता ग्रंथ की अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 में लिखा हुआ है, पुत्र पुत्री जिस तरह तुम सांप से भागते हो उसी तरह पाप से बचो, यदि वो पास आएगा तो वो तुम्हें काटेगा, उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। प्रभु हमें पाप से बचाइए,
प्रभु हमें पाप से बचाइए, पाप की भयानकता के बारे में समझाइए। दयालु यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।